जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आशिक खान। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज रहमान गार्डन फेज 7 का लेटेस्ट विजिट करने वाले हैं, अप्रैल 2022 का। लेटेस्ट विजिट करने का मकसद ये होता है कि आपको अंदाजा हो सके कि पिछले एक महीने के अंदर क्या काम हुआ है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई नई चीज आए तभी वीडियो बनाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको बताना होता है कि पिछले महीने की वीडियो से इस महीने की वीडियो में क्या फर्क है। ये भी हो सकता है कि काम हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि काम ना हो रहा हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसलिए मंथली बेसिस पे जो है ये वीडियो बनाई जाती है। जी ये देखें, ये मेन शरकपुर रोड है और ये रहमान गार्डन फेज 7 की मेन एंट्रेंस है। शरकपुर रोड के ऊपर ये वाक़ है। फैजपुर इंटरचेंज से तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये इसकी बहुत खूबसूरत मेन एंट्रेंस है और इसके अंदर आपको इस वक्त जो ब्लॉक मिलेगा वो मिलेगा जी बेवरली हिल्स के नाम से। बेवरली हिल्स का जो पेमेंट प्लान है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आज बेसिकली फ्राइडे है और यहाँ पे आपको सारे ऑफिस क्लोज नजर आएंगे। ये मेन बुलेवार्ड है 210 फुट का, फ्राइडे को ऑफ होता है और ये सारे ऑफिस जो हैं ये बंद है। यहाँ पे कोई भी ना कोई क्लाइंट है ना कोई डीलर है। मैं आपको विजिट करवा दूँ। जी ये हेड ऑफिस है जो आप सामने देख रहे हैं और ये मेन बुलेवार्ड है 210 फुट का। ये मेन बुलेवार्ड है और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड के ऊपर जो दो ब्लॉक हैं ये ए और बी ब्लॉक हैं। ये आप कह लें कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, नंबर वाले प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो पोजेशन मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक घर बन चुका है और उसके अलावा एक कमर्शियल शुरू हो गया है, उसके अलावा एक और जो है वो घर बनना शुरू हो चुका है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0300-111-12613 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ए और बी के अलावा यहाँ पे सी ब्लॉक जो है उसकी भी फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की फाइल्स हैं। उसके अलावा जो बेवरली हिल्स हैं उसके अंदर 14 मरला और 1 कनाल की फाइल्स भी मौजूद हैं। आप ये देखें, अच्छा यहाँ पे इस ब्लॉक में अभी तक जो है वो रोड कारपेट नहीं हुए। यहाँ पे डेवलपमेंट आपके सामने है मेरे ख्याल में, तो शायद यहाँ पे रोड कारपेट हो जाने चाहिए थे। अभी तक फेज 7 का जो रोड कारपेट हुआ है वो बस मेन बुलेवार्ड है। उसके अलावा इसकी जो अंदर ए और बी ब्लॉक है यहाँ पे कोई भी रोड कारपेट नहीं हुआ। हाँ सीवरेज यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है और रोड कच्चे कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये अलनूर ऑर्चर्ड मरीना स्पोर्ट सिटी की है। यहाँ पे भी आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट या विला मिल जाएगा। प्लॉट का पेमेंट प्लान भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो विला है उसका पेमेंट प्लान भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये सामने एक जो घर बना हुआ है और ये जो बैक साइड है ये कमर्शियल की है, ये आता है जी फेज 7 में। उसके उस साइड पे जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर बनी हुई हैं और ये एक घर शुरू हो चुका है यहाँ पे। सी ब्लॉक की जो फाइल्स हैं रीसेल में लेने के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अलनूर ऑर्चर्ड का विजिट करना चाहते हैं तो ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करके अलनूर ऑर्चर्ड का लेटेस्ट विजिट भी कर सकते हैं। शरकपुर रोड के ऊपर और मेन जीटी रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका घर बैठे विजिट करने के लिए आप प्लेलिस्ट को क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ पे रोड जो है वो कच्चे हो चुके हैं, सीवरेज इंस्टॉल हो चुका है लेकिन रोड अभी जो है वो कारपेट नहीं हुए। अगर आपके पास यहाँ पे प्लॉट है उसको या फाइल है उसको बेचना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखें ये घर जो है ये शुरू हो चुका है और बिल्कुल सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये कमर्शियल है मेन बुलेवार्ड के ऊपर। रहमान गार्डन फेज 7 के अंदर कोई भी जो है वो घर की डील नहीं है, यानी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको घर नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे जो है वो आपको प्लॉट्स ही मिलेंगे। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो इसके बिल्कुल साथ अलनूर ऑर्चर्ड है, उसके अंदर आपको 5 मरला के विलाज मिल जाएंगे, कॉटेजेस मिल जाएंगे, यानी कि फ्लोर हैं ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। यहाँ तक जो है ये रोड कारपेट हुआ है, उसके आगे आप देख रहे हैं कि कोई
काम अभी तक नहीं हुआ, लेकिन लैंड इन्होंने आगे काफ़ी हद तक जो है वो परचेज़ कर ली है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द आगे भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ये जो मेन बुलेवार्ड है ये 210 फुट का मेन बुलेवार्ड है। अब इसके ज़रा लेफ्ट हैंड पे जाते हैं, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। ये सामने हेड ऑफिस है, अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर इंस्टॉलमेंट के अलावा हमारे पास कैश के ऊपर भी प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर आप कैश के ऊपर प्लॉट्स पे मौजूद हैं और घर भी मौजूद हैं, आप ऑन ग्राउंड प्लॉट लेके फौरी घर बना सकते हैं या आप 3.5 मरला का विला लेके कैश पे उसमें रहाइश भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये ब्लॉक भी इनका ऑन ग्राउंड ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर भी जो रोड हैं अभी तक वो कारपेट नहीं हुए, लेकिन ये रोड कच्चे हो गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही इसको कारपेट कर दिया जाएगा। शरकपुर रोड के ऊपर अलनूर ऑर्चर्ड, रहमान गार्डन, अल जलील गार्डन, ओमेगा रेजिडेंशिया, अल राजी गार्डन्स, अल कयूम गार्डन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, बेचने के लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, इन ब्लॉक के अंदर डिफरेंट जगहों पर जो है वो एक पार्क, जैसे ये पार्क है, इस तरह पहले वाले ब्लॉक के अंदर भी पार्क दिए गए हैं और ख़ूबसूरत पार्क्स हैं ये। ये अप्रैल 2022 का लेटेस्ट विज़िट है। आप घर बैठे देख सकते हैं कि आप अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी प्रॉपर्टी की इस वक्त क्या सिचुएशन है। अगर आप कोई ऐसा घर लेना चाहते हैं जिसकी डाउन पेमेंट करके आपको फौरी कब्ज़ा मिल जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल सामने 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास घर मौजूद हैं, जहां पे आप डाउन पेमेंट करके 30% डाउन पेमेंट करके अपने घर का कब्ज़ा ले सकते हैं और बाकी आपने इंस्टॉलमेंट घर में रहते हुए देनी है। उसमें यह भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप डाउन पेमेंट दे के घर लें और उसके जो इंस्टॉलमेंट है उसका 50-60% जो है आप उसके रेंट से ही निकाल सकते हैं अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है, घर लेना बहुत बेहतर है। अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर या शरक रोड के ऊपर कहीं भी आप घर लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे सीवरेज जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, रोड कच्चे हैं, कारपेट अभी तक नहीं हुए और ये बिल्कुल सामने भी हम जा रहे हैं मेन बुलेवार्ड की तरफ। रहमान डेवलपर्स एक अच्छे डेवलपर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी जो 6 फेजेस हैं वो डिलीवर कर दिए हैं, ये इनका 7वां फेज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं वाजह कर दूँ कि इसका जो सी ब्लॉक है और बेवरली हिल्स ब्लॉक है इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस अभी शामिल नहीं हैं, डेवलपमेंट चार्जेस बाद में शामिल होंगे, 5 साल के बाद शामिल होंगे। ये कितने शामिल होंगे इसका कोई एग्जैक्ट अभी तक कंपनी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई लाख रुपया प्लस माइनस जो है ये फी मरला डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पर लगेंगे। ये भी हम आगे हैं जी मेन बुलेवार्ड के ऊपर, यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे मेन गेट की तरफ। जीटी रोड के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी और उसके बिल्कुल सामने ऐसे गार्डन्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं, 5 मरले का प्लॉट आप ले सकते हैं, 20 लाख रुपये का उस पर घर बना सकते हैं, ऑन ग्राउंड ऑन पोजेशन प्लॉट हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, पोजेशन चार्जेस शामिल हैं, आपने 20 लाख रुपये के अलावा और कुछ भी नहीं देना। ये है जी इसका मेन बुलेवार्ड जो बहुत खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। राइट हैंड के ऊपर आपको कमर्शियल नज़र आ रहे होंगे और अभी हम जा रहे हैं जी मेन एंट्रेंस की तरफ, यानी कि शरकपुर रोड की तरफ। यहाँ पे जो सी ब्लॉक है उसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक वो प्लान है जो अप्रैल से शुरू हुआ है, एक वो है जो जनवरी से शुरू हुआ है। आप दोनों प्लान्स के अंदर अपनी फ़ाइल्स को बुक करवा सकते हैं। 3 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला की फ़ाइल्स हैं, इसका पेमेंट प्लान आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस अंदर वाली साइड से, बहुत खूबसूरत इसको जो है वो डिज़ाइन किया है।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।